मित्रों, एचआरडी के अंदर सेंसस, एजुकेशन, हेल्थ केयर देख लिया। अभी लास्ट मुद्दा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये उसके कवर पेज से ही सिद्ध है कि यूएनडीपी वाले बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और थीम था वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। थोड़ा बैक एंड थियरी, पाकिस्तान का महबूबुल हक, भारत के अमर्त्य सेन, 1990 में ये लोग ये HDI कंसेप्ट लेके आए। फिर अलग अलग साल में रिपोर्ट पेश हुआ तो उसके थीम्स रहते हैं। 2015 का थीम था वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास में कार्य का महत्व। तो क्या महत्व है और उसमें क्या चैलेंजेस है, लंबी चौड़ी बोल बच्चन कर सकते हैं, बट देट वी विल डू फॉर मीन्स एन इंटरव्यू। अभी के लिए हम नहीं जा रहे हैं। बस इतना याद रखना, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और लेटेस्ट का थीम क्या था, वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये रिपोर्ट रिलीज किधर से किया, अगर स्विट्जरलैंड में रिलीज करते तो हिंदू वाले की दिस इज आइवरी टावर अप्रोच, तो कहीं पे कोई फटेहाल कंगाल देश हो वहां से रिपोर्ट रिलीज करना चाहिए। सो दे वेंट टू इथियोपिया और उसका ये एडिस अबाबा, उस शहर से उन्होंने रिलीज किया। ये अफ्रीका के जब देश आप देखें तो तुरंत सावधान होंगे कि कौन सा लैंड लॉक कंट्री एंड समथिंग लाइक दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो। हमारे लिए और काम की चीज कि ये यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वहां पर केवल एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं होता, कुल मिला के पांच चीजें आती हैं। HDI तो है साथ में, उसको फिर इनइक्वालिटी से एडजस्ट करो तो दूसरा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, फिर लड़कियों के लिए तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे भी इनइक्वालिटी के साथ तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और लास्टली गरीबों का मापन करो तो मल्टीपल डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स MPI। एक एक करके इनकी थियरी हम समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? ये मिल्खा सिंह गाना गा रहे हैं हवन कुंड, उस गाने की शुरुआत इस तरह से होती है, नाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता। तो उसी रिदम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, मतलब टू लीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, पढ़ता मतलब एजुकेटेड और नॉलेजेबल बन जाओ, और पैसे कमाता मतलब टू इंजॉय डिसेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन तीन पैरामीटर्स को अब आप एक्चुअली मेजर कैसे करोगे? पैदा होता तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, अगर आपका ये कटप्पा जैसा कोई सेनापति हो, अनलेस, तो एज सच भारत में एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 68 ईयर्स, पैदा होता हमको आंकड़ा मिल गया। पढ़ता इसके दो आंकड़े लेते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग करीब 5 साल है भारत में, एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11 साल के करीब है। इन दोनों को जोड़ के फिर वो एक अपना एजुकेशन का एक आंकड़ा निकालेंगे। मैं इसे इस तरह याद रखता हूँ, आमिर खान की इच्छा थी कि दर्शील सफारी 11 साल तक पढ़ जाए, बट उसकी तो विकेट 5 साल में ही गिर गई। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बड़ा होता है, मीन्स ईयर्स थोड़ा कम होता है। खैर, उन दोनों को जोड़ के कोई एक आंकड़ा वो एजुकेशन का निकालते हैं, लेट अस अज्यूम। पैसे कमाता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सलमान खान शादी करने के लिए ड्राइवरी करता है, पैसे कमाता है। सो पर कैपिटा दिस परचेजिंग पावर पैरिटी 2011 के अनुसंधान में अब निकालो तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भारत में कितना है, $5,400 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अब आपके पास तीन आंकड़े आए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और अपना ये परचेजिंग पावर पर कैपिटा इनकम। अगर मैं आपको बोलूं कि एवरेज निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री करते तो हम बोलते कि वो एरिथमेटिक एवरेज, बट यहाँ पर ज्योमेट्रिक एवरेज निकालना है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी, और इन तीन आंकड़े तो क्यूब रूट निकालो। उस प्रकार से आप जो निकालोगे आंकड़ा मिलेगा 0.609, दैट विल बी कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2015। अब ये भारत का निकाला, पाकिस्तान, चाइना, रशिया सबका निकालो, एंड देन यू अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उत्तम जिनका HDI मिलेगा 0.8 से लेके 1 तक, तो पहला नंबर आया नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब लोग, फिर हाई में श्रीलंका, ब्राजील, चाइना। मीडियम के अंदर भारत 2014 में थे हम 135वां रैंक था, वो कम होके 2015 में, मतलब वी हैव इम्प्रूव्ड, और 130 रैंक अपना बन गया है। फिर अपने नीचे भूटान, बांग्लादेश, और एकदम खड्डे में गए तो नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, और सबसे लास्ट कंट्री कौन सा है, तो 188 रैंक पे आएगा नाइजर। एक से लेके 188 तक हैं, भारत 130वें स्थान पर है। और आराम से पढ़ना हो तो ये वाले सभी आंकड़े मैंने यहाँ पर जोड़े हैं, अपने लिए काम का ये ग्राफ समझना है। देखिए, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, तीन आंकड़े हमने निकाले, और उसका अगर कोई मीन टाइप की चीज है तो वो बीच में होनी चाहिए, राइट? तो भारत में देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्लू लाइन एकदम ऊपर है, फिर एजुकेशन वो डैश 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 चल रहा है, ग्रे कलर जैसा जो है नीचे है,
एंड पर कैपिटा इनकम तो रेड कलर वो बीच में है। अब जो भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट होगा वो इनके बीच में कहीं पे होना चाहिए। तो यू कैन सी दे ये ग्रीन कलर का डॉट 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 जो चला है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये 1980 85 एंड सो ऑन दे हैव शोन सम ट्रेंड्स। अब आप समझिए श्रीलंका चाइना ये लोग हमसे आगे निकल गए, तो हमने भी अगर अपना स्थान 130 से बढ़ा के ऊपर चढ़ना है व्हाट शुड वी डू। ऑब्वियसली ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ब्लू लाइन है उसमें ज़्यादा अभी कुछ हो नहीं सकता है ना, तो ये बाकी की दो लाइन उसको ऊपर चढ़ाना है। दैट मीन्स ये एजुकेशन उसको हमने इम्प्रूव करना चाहिए। उसी प्रकार अपना पर कैपिटा इनकम एज सच वो बड़ा दिखता है, बट इट इज़ मेनली सर्विस सेक्टर लेड जॉबलेस टाइप का ग्रोथ है। उसके बजाय स्किल इंडिया मेक इन इंडिया करके सबको लेंगे तो ये अपना पर कैपिटा इनकम GNI वाली आंकड़ा वो भी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। एंड लाइक दैट वी कैन इम्प्रूव अवर रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उस हिसाब से फिर आप सब स्कीम पॉलिसीज जोड़ के लंबा चौड़ा निबंध लिख सकते हो। खैर तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता समझ लिया। और इससे हमने ये भी जाना कि भारत पाकिस्तान और नाइजर से तो बढ़िया है यहाँ पर स्थिति, बट चाइना ब्राज़ील से थोड़ा पीछे हैं हम लोग। बट इससे हमको ये पता चल के दूसरे देशों के सामने हम लोग कैसे हैं। बट इट डज नॉट मीन कि भारत के अंदर सभी लोग खाते पीते सुखी सद्धर हैं, नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उनकी परिस्थिति पाकिस्तान या नाइजर से भी खराब हो भारत के अंदर ही रहने के बाद। सो विद इन अ कंट्री इन इक्वालिटी को एडजस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाड़ी होगी, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, और सामने कुछ ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ माँ है और नौकरी, और नौकरी भी शायद नहीं मिली होगी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू एडजस्ट दिस इन इक्वालिटी, राइट? बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वन टाइप ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो ऑब्वियसली जहां पर भी एवरेज मीन ऐसा कुछ होगा इट विल मास सम इन इंटरनल इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स, हो सकता है कि वो कुछ राज्यों में ज्यादा हो कुछ राज्यों में खराब हो, वो सारी इंटरनल इनइक्वालिटीज मास। जब आप एडजस्ट करेंगे, ओके HDI एज सच हमने निकाला 0.609, बट इनइक्वालिटी से आप एडजस्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि इट इज 0.3, 0.435, मतलब कि खराब है, लोड की तरफ है। और ये दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालो, माइनस करो, द आंसर इट इज कॉल्ड द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। भारत का यहाँ पर रैंकिंग मेरे ख्याल से ह्यूमन डेवलपमेंट में था अपना 130 और इनइक्वालिटी एडजस्टेड में उससे एक ज्यादा 131 है। ये भी आंकड़े यहाँ पर है, देख लेना। तीसरे पे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए अब तक हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकाला, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता और उसका क्यूब रूट, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर भारत के सभी लोगों को एक साथ ले लिया था। बट उसकी बजाय हम लोग ये करें कि भारत के पुरुषों का पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता क्यूब रूट निकालो, दैट इज मेल HDI, और सामने भारतीय महिलाओं का पैदा हुई पढ़ी पैसे कमाई उसका अलग निकालो और उन दोनों का डिवीजन करो, द आंसर यू गेट दैट इज कॉल्ड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सपोज भारत के अंदर हमने निकाला कि ओवरऑल था 0.609, मान लो महिला के लिए भी 0.609 मिले, पुरुष के लिए भी मिले 0.609, देन वी से ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो जवाब आएगा 1, मतलब कि महिलाओं का भी पुरुष जितना ही विकास एक समान बढ़िया चल रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें जवाब ये 1 से अधिक आएगा, जैसे इस्टोनिया तो 1.030, लेटविया, रशिया वगैरह। ऐसा कैसे संभव है? इन अदर वर्ड्स वहां पर महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है पुरुषों के सामने, वाई? ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल रशिया, तो वहां पुरुष दारू ज्यादा पीते होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी रो, और क्योंकि दारू पी के पड़े रहते हैं तो पढ़ाई में और पैसे कमाने में भी ज्यादा बरकत होगी नहीं, सो देयरफॉर महिलाओं का वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा दिखता होगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट, कि 1 से ऊपर हो तो मतलब महिलाओं का डेवलपमेंट ज्यादा है, 1 से नीचे हो मतलब पुरुष ज्यादा विकसित हो रहे हैं महिला कम, सो 1 से जितना जितना नीचे जाए वो खराब है। स्वीडन 0.999 तो बढ़िया, नॉर्वे 0.996 वो भी बढ़िया, बट बहुत नीचे जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। भारत एज वी ऑल नो खड्डे में गया देश है, तो 0.795, मतलब महिलाओं का मानव विकास कम हुआ है पुरुषों का ज्यादा हुआ है। ये भी आंकड़े भारत बांग्लादेश सभी के मूड हो तो देखना, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तीसरा, तो अब तीसरा रैंक था अपना जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब वहां पर रैंक कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो हमने बोला कि पहला नंबर ये और 100 188 नाइजर और बीच में भारत का 130। याद रखो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंक नहीं होता, ग्रुप होता है। एकदम बढ़िया रैंकिंग वाले हुए उन सबका ग्रुप बना दिया तो बेस्ट कंट्रीज पहला ग्रुप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा उससे कम, और सबसे खड्डे में गया हो तो वो पांचवा ग्रुप, तो भारत उस ग्रुप में शामिल है। मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का घटिया है। अब जैसे ही कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट इस प्रकार से क्रिटिसाइज करे या भारत की कुछ औकात नहीं वगैरह बोले, तो हमने क्या करना चाहिए? राज कपूर बन जाओ, अपनी गरीबी का दुखड़ा रो कि देखो हम तो इतने गरीब कंगाल फटेहाल है, बट स्टिल आप देखिए ये वाली बैंक के अंदर कितनी महिलाएं चेयरमैन
और टॉप पोस्ट पे आ गई। अब इसका भी काउंटर, मतलब ये तो सर्वे के अंदर उन्होंने पूरा टेबल बना के दिया है कि ये आरबीआई में, ये आईसीआईसीआई में, ये महिलाएं हैं, बट स्टिल इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर, बिकॉज ये सभी महिलाओं के बैकएंड में आप चेक करो कि उनके माँ बाप क्या करते थे, एटलीस्ट दे विल बी मिडिल क्लास फैमिलीज, है ना, तो पढ़ाया आगे बढ़ के वो नौकरी में गए एंड दे मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि झोपड़पट्टी में वो कचरा बटेने वाली कोई गरीब लड़की है और वो सीधी आरबीआई की गवर्नर बन जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। उसके सामने फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ग्रुप होंगे तो वहां तो कि ये लड़के को ये झोपड़पट्टी में रह के कचरा उठाने का काम वो करना ही नहीं होगा, सबके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है। सो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, उससे हमको क्लियर पिक्चर अभी तक नहीं मिल पाया। सो देन यूएनडीपी वाले लेके आए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2010 से, ये नई विभावना। अभी प्रश्न कि ये भाई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तो है ही आपका कि पुरुष का एचडीआई और महिला का एचडीआई, इनका रेशियो निकालो, तो फिर ये नई तुका क्या लेके आए आप, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, व्हाई दे हैव कम विद दिस? कारण है ये बच्चा है लड़का, है ना, उसका एचडीआई अब निकालो, पैदा हुआ, हाँ हो गया, पढ़ता, पैसे कमाता, आगे बढ़ेगा। अब उसके सामने उसकी बहन है, वो भी पैदा हो गई, आगे चल के पढ़ती और पैसे कमाती, ऐसा करके कुछ रेशियो निकालते तो हमको मिलता जीडीआई। बट आप समझिए, हो सकता है ये गरीब लड़की उसकी 15 साल में ही उसको स्कूल से उठा के शादी करवा दे, है ना, तो पढ़ाई में तो वो उसका रह गया, हो सकता है उसी वक्त फिर उसकी शादी कराए और बिफोर द एज ऑफ 18 उसको वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ और हर चाइल्ड्स हेल्थ, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, एमएमआर हो जाए, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहीं पे खलास हो गया। उसके बाद भी क्योंकि पढ़ाई बराबर नहीं हो पाई, देन पैसे कमाया उसमें भी उसे पर इक्वल पे में कुछ ना मिले, एन एक्स वाई जेड रीजन। सो पुरुषों के लिए आप जब बोले पैदा हुआ, पढ़ा, पैसे कमाया, यू कैन नॉट मेजर द सेम लाइन पे आप ये लड़की का ग्रोथ भी नहीं देख सकते, बिकॉज देर विल बी सम ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन। देयर फोर यूएनडीपी केम अप विद दिस न्यू थिंग जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वहां पर तीन चीजों पे फोकस करेंगे। लड़की के लिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट, 1 लाख अगर लाइव बर्थ हुए तो उसके सामने कितनी महिलाओं का डेथ हो गया, तो मैटरनल मोर्टालिटी 190 है, तो मतलब भारत के लिए ये खड्डे में गया है। एडोलेसेंट बर्थ रेट, मतलब 15 से 19 की आयु में ही कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो बच्चों को जन्म देती है, तो 33 केस 1000 के सामने ऐसे बन रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ दैट गर्ल एंड हर चाइल्ड, तो ये भी खराब है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपना ये लड़की का वहां पे ऑब्स्टेकल पहला आ गया। सेकंड, एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, पैसे कमाने के अनुसंधान में यहाँ पे ऐसी कुछ बात करो तो पार्लियामेंट में तो हार्डली 12%, एचएससी पास करने वाली तो हार्डली 27%, तो स्वाभाविक है फिर वो आगे चल के कुछ बड़ा काम कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना, महिला खुद के घर में, खुद के खेत में काम करे, नहीं गेनफुली पेड एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा कोई काम कर रही हो तो कितना है, 27% ही है। सो जैसे पुरुषों के लिए हमने निकाला, पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता, महिलाओं के लिए आप जेंडर इनइक्वालिटी में निकालो तो रिप्रोडक्शन, एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हर एक जगह पे भारत का फर्टीचर टाइप का अपना रैंकिंग है, और भी आपने आंकड़े देख ले हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अब आप समझिए कि ये क्या नेगेटिव 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 चल रहा है, तो अगर यहाँ पर 0 होगा तो मतलब कि उत्तम है, और 1 होगा तो मतलब एकदम फटेहाल है। इन थियोरी 0 तो कहीं पे हो नहीं सकता, बट 0 से जितना करीब, मतलब कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ही कम है वहां पर। ऐसा सबसे उत्तम देश है स्लोवेनिया, NIA, जहां पर 0.0016, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी एकदम नहीवत है। आगे बढ़ेंगे, भारत फटेहाल देश है अपना, तो 0.05, मतलब 1 के करीब जा रहा है, सो बैड। और रैंकिंग में जेंडर इनइक्वालिटी रैंकिंग में सबसे फटीचर कौन सा देश है, तो यमन 155th रैंक उनका है। अब प्रश्न, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो सबसे फटीचर देश था 188 पे नाइजर, तो यहाँ 188 रैंक क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर ऑल कंट्रीज GII का डेटा अवेलेबल नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पार्लियामेंट में कितना पार्टिसिपेट वगैरह, सभी देशों के लिए नहीं मिला, इसलिए सबका रैंकिंग नहीं बना पाए हैं। ओके, सो जेंडर इनइक्वालिटी वो भी खत्म। अभी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, अच्छा भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है? देशी मेथड है अपनी की तेंदुलकर कमेटी, उस हिसाब से हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कितना खर्चा करते हैं, NSSO वाले सर्वे निकालेंगे, जिसका आंकड़ों का अवलोकन करके फिर नीति आयोग वाले बोलेंगे कि इतने लोग गरीब हैं, दैट इज द फाइनल नंबर फॉर नाउ। ओके, सो लाइक दैट ये अपने को देखने को मिलता है कि 2004 के सामने 2011 में
गरीब कम हुए हैं, हार्डली 21-22% ऑल इंडिया लेवल पे हैं। उसके आगे इस आर्टिकल लिंक पे और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का वीडियो आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बड़ा चार्ट भी दिया है कि नीति आयोग ने ये आंकड़े निकाले, हर एक राज्य में कितने गरीब हैं। आपकी स्टेट सर्विस एग्जाम या यूपीएससी के इंटरव्यू, तो उसके लिए देख लेना कि आपके राज्य में कितने गरीब हैं, शहरों में या कहाँ क्या क्या चल रहा है। एनीवेज, खैर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली मैटर, तो यूएनडीपी वाले बोलते हैं ये हमको मान्य नहीं है, हमारी तो अलग सिस्टम है। इंसिडेंस मतलब हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके कुछ पैरामीटर, और वहां पर इंटेंसिटी की कितने इंडिकेटर आपके हाउस होल्ड में नहीं है, कि टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, लाइट नहीं है, क्या। तो दिस इंसिडेंस मल्टीप्लाई विथ इंटेंसिटी आप करोगे तो जवाब मिले उसे बोलेंगे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी 2010 से यूएनडीपी वालों ने गिनती शुरू किया। अब आप देखिए भारत की देशी तेंदुलकर मेथड तो बोलते हैं कि 21-22% लोग गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन है कि दिन में $1 और 25 सेंट भी नहीं कमाता, वो सब नीचे गरीब हैं। तो उस हिसाब से जाओ तो भारत की 31-32% जनता गरीब है। यूएनडीपी के आप ये निकालो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, उस हिसाब से तो निकालोगे तो पता चलेगा भारत की 55% जनता गरीब है। इन अदर वर्ड्स, केवल पैसा या केवल कंजम्पशन अलोन इज नॉट द क्राइटेरिया, उसके अलावा भी डेप्रिवेशन के ये पैरामीटर्स आपने देखने पड़ते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास पैसा भी हो, बट फिर भी पैसा देते भी वहां पर डॉक्टर उनके गांव में नहीं रहता या लाइट नहीं आती है, एक्स वाई जेड। सो ऑल दोस आर ऑल्सो पैरामीटर्स इन द गरीबी। अब इसके 55% जनता गरीब, अब एब्सोल्यूट फिगर में आप निकालो 121 करोड़ के सामने, देन यू विल नो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ पर है, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर मे बी इन इंडिया। खैर, सो वी हैव टू मेजर इन इक्वालिटी ऑल्सो। भारत के लिए ये GNI 5497 डॉलर्स, दैट अलोन इज डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर। गिनी कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है, थियरी समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे आप निकालो क्यूमुलेटिव वेल्थ आपके देश की, और एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव हाउस होल्ड, पहला घर, दूसरा लाइक दैट 100 घर। अगर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, उसका मतलब कि पूरे देश की वेल्थ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पीपल, बट दैट इज ओनली पॉसिबल इन थियरी। रियल लाइफ में इट विल बी ऐसा कर्व शेप, बो शेप, जैसे धनुष होता है उस प्रकार का निकलेगा। जहां पर आप पा सकते हैं, आप यहां पर फॉलो करिए सेकंड ग्राफ में, कि वहां पर आप एक एक्स एक्सिस से लिंक निकालो कि भारत के 30% जनता, तो मे बी यू विल फाइंड कि उनके पास हार्डली 2% ऑफ नेशनल वेल्थ दे आर ऑक्यूपाइंग। और सामने एकदम ऊपर टॉप वाले 10%, 90 से लेके 100 में निकालो, मे बी यू विल फाइंड के पूरे देश की 50% वेल्थ तो उनके हाथ में ही है। सो लाइक दैट वी कैन मेजर द इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जीनी कोएफिशिएंट की मदद से। इटालियन स्टेटिस्टिशियन था कोराडो जीनी, उसने ये सिद्धांत दिया। उसका क्या फॉर्मूला है अपने लिए काम का नहीं, इतना बस याद रखना कि वहां पर अगर 0 जवाब मिल जाए तो उसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सभी के पास है, और अगर जवाब 1 आ जाए मतलब कि मोस्ट अनइक्वल है, अमीरों के पास सारा देश का प्रॉपर्टी है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक निकालती है, और ये जीनी कोएफिशिएंट में जो भी जवाब आए उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट परसेंटेज। तो भारत में आता है 33.4%। इन अदर वर्ड 0 भी नहीं, 1 भी नहीं, बीच में है, बट देर इज इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके, वापस आते हैं। इस बार यूएनडीपी वालों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ एक ट्री ग्राफ भी बनाया है। ये जो ट्री है उसमें नीचे जो उसके ट्रंक की विड्थ है, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ये जो उसके पेड़ की जो ट्रंक की हाइट है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, और उस पे जितने पत्ते हैं, जितना ज्यादा ग्रीन कलर मतलब वहां हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तम होगा। उस हिसाब से सभी देशों मतलब एरिया का उन्होंने ये ग्राफ बना के दिया यूएनडीपी ने। आप देखिए इन द ईयर 1990 साउथ एशिया का पेड़ देखो और ये सब सहारन अफ्रीका का पेड़ देखो, लगभग एक समान है। बट उसके सामने बढ़ते बढ़ते जब 2014 तक आ गए तो देखिए साउथ एशिया का ट्री इट हैज़ ग्रोन नाइसली, सब सहारा तो अभी भी वो फटे हाल ही दिखता है। ऐसा क्यों? बिकॉज नीचे डेमोक्रेसी हैज टेकन रूट्स, एशिया के अंदर डेमोक्रेसी आ गई नीचे, उसके चलते ये बहुत अच्छा पनप के गया है। उसके सामने सब सहारन तो वहां पर ट्राइब एंड उनकी कबीलाई सरकारें और पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा चलता रहता होगा है, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाए। खैर 2014 में एशिया का ट्री इट इज लुकिंग गुड, बट ऐसा नहीं कि हम राम राज्य प्रजा सुखी हो गए। आप यूरोप के साथ कंपेयर करो, यूरोप में 1990 में भी उनका पेड़ अपने से बढ़िया दिखता था, तो अभी तो 2014 में तो वो कहीं के कहीं निकल गए। सो स्टिल वी हैव टू कवर माइल्स टू गो, और उसके लिए बहुत बहुत अच्छा करना है। इन दैट कंटेक्स नाउ वी गो टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
क्योंकि हमने भी, अब हम सब ने ऐसा आगे बढ़ना है, बट इस प्रकार से नहीं बढ़ना चाहिए कि फिर बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स छोड़ के जाना चाहिए लाइक दैट। खैर, साल 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूएनजीए वाले, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लेके आई, 15 साल के लिए था, तो 2015 में खत्म। उसके सामने इन द ईयर 1992 रायो अर्थ समिट हुआ, ठीक है, वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ बातें करी गई। फिर 20 साल बाद रायो प्लस 20 2012 में फिर बैठे उस अनुसंधान में, 2015 सितंबर वहां पर उन्होंने 17 सस्टेनेबल गोल्स कि हाँ ये चीज करेंगे, 1 जनवरी 2016 से लेके 2030 उसकी डेडलाइन है। तो ये मैंने कंपेरेटिव चार्ट बनाए, एमडीजी में ये चीज थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये चीज थी। आंकड़े सभी काम के नहीं, बट ये वाले तो याद रखने पड़ेंगे। एमडीजी का डेडलाइन क्या, 2015, गोल कितने 8, और एसोसिएटेड टारगेट कितने, तो 8 के आगे एक लगा दो, 18 है। एसडीजी तो उसका डेडलाइन क्या है, 2030, यहां पर गोल कितने 17, और टारगेट्स कितने हैं, मैं ऐसे याद रखता हूँ, 17 है, उसके पीछे एक जीरो लगाओ और फिर एक माइनस कर दो, तो 170 माइनस 1 169 टारगेट्स हैं। हो सकता है यूपीएससी में इतना फैक्चुअल नहीं पूछे, बट बैंक वगैरह में तो वो चढ़ जाते हैं, तो देयर फॉर यू हैव टू मेमोराइज दिस नंबर, मारपीट के याद कर लेना। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 2015 सितंबर में यूनाइटेड नेशन उसकी जनरल यूएनडीपी और उसके बाद न्यूयॉर्क समिट और वहाँ जनरल असेंबली ने इसको अडेप्ट कर लिया। खैर, एमडीजी 8 गोल कौन से, घर पे पढ़ लेना, भारत ने उसमें कहाँ पे अचीव किया, कहाँ पर फटे हाल रह गए, हमने घर पे देख लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी व्याख्या की, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी, ये व्याख्या किसने दी, बर्टलैंड कमीशन ने दी थी। एमसीक्यू एनवायरमेंट में कुछ बार ऐसा पूछते हैं, ये वाली व्याख्या किसने दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो बर्टलैंड कमीशन ने दी है। खैर, कुल मिला के 17 गोल और 169 टारगेट्स, ठीक, 1 जनवरी 2016 से लेके 2030 तक हमने ये करना है, 1 2 3 4 5 बोल के 17 है। एमसीक्यू में अगर बहुत खींच के परेशान करना हो, दे में आस क्यू कि इनमें से कौन सा टारगेट है या इनमें से कौन सा टारगेट सॉरी गोल नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि 17 गोल हम लोग याद रख पाएं। जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में याद रख लिया कि पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, लाइक दैट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे याद रखोगे, मैंने ये सूत्र बनाया है, रोटी सीटी बिपाशा पीछे, मतलब बिपाशा रोटी और सीटी के पीछे पड़ी है। अब इसका बना दे, जैसे पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता उसी रिदम में चलते हैं, रोटी तो रोटी खाता मतलब एलिमिनेट हंगर, रोटी बिगाड़ता मतलब कुछ लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं करते, बी फिजूल का बिगाड़ और इस प्रकार की चीज़ें, तो उसे हमने रोकना है, एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन, तो रोटी के दो आयाम हो गए, खाता और बिगाड़ता बंद, उसे करना है। देन सिटी, तो सिटी के अंदर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें करेंगे। फिर बीपासा आसान है, बिजली तो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी करो और सबको बिजली मिले ऐसा प्रयत्न करो, पानी तो स्वच्छ पेयजल सबको मिले ऐसा, सड़क ठीक है, तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी लोगों के लिए मिले, सभी का विकास हो लाइक दैट। तो रोटी सिटी बीपासा इतना तुकबाजी में हम याद कर सकते हैं। अभी पीछे मतलब 6 बार पी आएगा, पी 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 लाइक दैट, तो जैसे अपना पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता वो रिदम तो यहीं पे चलेगा, पैदा होता मतलब हेल्थ केयर सर्वाइवल, अपना मेटरनल मॉर्टेलिटी, वो सारी बातें आप यहाँ गोल में जोड़ सकते हो, पढ़ता तो सबको एजुकेशन देना स्किल डेवलपमेंट उसके आंकड़े जोड़ सकते हो, पैसे कमाता तो उसके लिए जो जो भी स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो 3 P अपने हो गए, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता। लेकिन ये पैसे कमाने जाएगा तो कुछ लिंग गरीब रह जाएंगे, मतलब महिलाओं को इक्वल पे इक्वल वर्क, जेंडर इनइक्वालिटी कम कराना है, कुछ लोग ऐसे ही गरीब रह जाएंगे, तो पहला ही गोल है कि पॉवर्टी को भी कम करना है, और कुछ देश गरीब रह जाएंगे, अमेरिका तो अमीर है बट सामने सोमालिया नाइजर, उनको भी मालदार करना है, सो रिड्यूस द इनइक्वालिटी अमोंग द नेशन, ऐसा अब कुछ गोल बनते हैं, ठीक। तो पीछे में 3 P अपने हो गए, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, और पैसे कमाने गए तो कुछ लिंग गरीब, कुछ लोग गरीब, कुछ देश गरीब, अभी बाकी 3 P बचे, वही रिदम में चल रहे, पर्यावरण बिगाड़ता तो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब पर्यावरण बिगाड़ते में दो चीज, वो दरिया समंदर में जाके भी मानवी ने पर्यावरण बिगाड़ दिया और लैंड के ऊपर भी पर्यावरण बिगाड़ दिया, तो दोनों जगह पे प्रोटेक्ट करना है। देन पुलिस में जाता, जैसे कि अमेरिका में अश्वेत लोगों का एनकाउंटर कर दिया और देखो काम चल रहा है, म्यांमार के अंदर उनके रोहिंग्या मुस्लिम के सामने परसिक्यूशन, उसी प्रकार अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन, एंड देन अफ्रीका के अंदर कबीलाई सरकार और सामने जो भी ट्राइब है उनका परसिक्यूशन,
तो ये सबके सामने जस्टिस फॉर ऑल ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो पुलिस में जाता है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन नाउ मेमोराइज। ए लास्टली, ये 1 से लेके 16 गोल अचीव करने हैं तो पार्टनरशिप करता है, सभी देशों ने साथ में मिलकर इसको करना है। सो रोटी सिटी बिपाशा पीछे लाइक दैट मारपीट के कुछ, हाँ इतनी इतनी चीज़ें हैं। तो अब एमसीक्यू कुछ बना है कि इनमें से कौन सा गोल है या नहीं है, यू कैन एटलीस्ट एलिमिनेट के ये वाला नहीं है, ठीक है, बस खत्म ही होने को आया है। सर्वे ने इस पे क्या बोला? प्रीलिम में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सर्वे ने, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीन सेड, इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला कि ये 17 गोल, ठीक है, उसके पीछे एक जीरो जोड़ो और एक माइनस करो, मतलब 170 माइनस 1 169 टारगेट, तो ये तो डिफिकल्ट है बहुत मॉनिटर करना, और ढेर सारा पैसा चाहिए ये 169 टारगेट करने के लिए। उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका पैसा, देसी अपना डोमेस्टिक फाइनेंस, विदेश से पैसा लेके आना, बहुत माथाकुट है। देयरफॉर इंडिया विल हैव टू प्रायोरिटाइज अपने 17 गोल्स और 169 टारगेट, ये सारे अचीव हो जाए वो तो शक्य ही नहीं है। वी विल हैव टू प्रायोरिटाइज, लेट अस से कि समंदर में बायोडाइवर्सिटी तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते चलो, बट जेंडर इनइक्वालिटी पे पहले काम करना है हमने। सो लाइक दैट वी विल हैव टू प्रायोरिटाइज द गोल्स। अब प्रीलिम में सवाल इस प्रकार से बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया इज केपेबल ऑफ अचीविंग ऑल द सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लाइक दैट, इन शॉर्ट इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि अपनी औकात पूरा करने की नहीं है, सरकार को भी पता है, बट अभी बजट निकाल रहे तो कुछ तो बोल बच्चन के लिए करना पड़ेगा। सो इन द बजट 2016 उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वो ज़्यादातर गरीबों का और ग्रामीण लोगों का विकास की उसमें बहुत सारी बातें हैं, ओके, तो उसे लागू करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, गवर्नेंस मजबूत करने की जरूरत है। सो टू इम्प्रूव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ PRIs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक नए चीज़ लेके आएंगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके भी डिटेल और वो फंडिंग मैकेनिज्म आउटलाइन करना अभी बाकी है। खैर, तो मतलब SDG के लिए बजट में क्या बोला, बस एक चीज़ की, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो लाइक दैट HDI भी खत्म और अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। इसके बाद इस पावर पॉइंट में जो जो स्लाइड आएंगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 थे अलग के, अभी क्या है और क्या क्या टारगेट है, लंबी चौड़ी बॉल बच्चन है, प्रीलिम के लिए कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, यू मे इग्नोर देम, बट मेंस इंटरव्यू के लिए उस वक्त देख लेना कि अपना पहला गोल तो ये था, सीक्वेंस में अब जाएगा, रोटी सिटी बिपाशा पीछे नहीं, 1 2 3 4 5 बोल के, तो पहला गोल इस तरफ की कितना अभी खड्डे में गया है और आगे क्या क्या टारगेट करना है, तो पहला गोल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 17 तक ये चलते रहता है, और उसके फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, वो भी मेंस और इंटरव्यू के लिए बोल बच्चा है, अपने लिए कुछ खास प्रीलिम में तो काम का नहीं है। सो लाइक दैट 166 मतलब बजट इकोनॉमिक सर्वे 2016 उसका 6th पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ पर सेंसस देख लिया, एजुकेशन देख लिया, हेल्थ देख लिया और ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो भी देख लिया। सो लाइक दैट अपने 6 पिलर उस अनुसंधान में थियरी, रिविजन, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो भी पढ़ाना था वो सब कुछ खत्म। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ काम की चीज़ें रह गई हों, बट अभी जो गया वो गया, भगवान मालिक है। सो अभी आपको भी मुक्ति, मुझे भी मुक्ति। 6 अगस्त को पूरी रात जागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस वक्त याद भी नहीं रहेगा, बेफिजूल फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आराम से सो जाना। सुबह को बराबर पेट भर के नाश्ता करके जाना चाहिए ताकि दिमाग अलर्ट से काम रहे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एग्जाम पैड लेके जाएं। सरकारी स्कूल कॉलेज में उनकी बेंच बहुत घटिया किस्म की होती है, बीच में फ्रैक्चर और वो सब, आप तो ध्यान से ABCD टिक करोगे, बट जब एग्जामिनर आके अपनी साइन करेगा वो तो डेट ऑफ कुछ भी कर, और उस वक्त हो सकता है कि आपकी OMR शीट फट जाए, फिर 15 मिनट 20 मिनट आपने एग्जामिनर के साथ फिर माथापच्ची करनी पड़े, तब जाके वो उसे रिप्लेस करके दे, और बेफिजूल एक तो टाइम बिगड़ेगा, दिमाग में स्ट्रेस, तो बाकी के सवाल बढ़िया टिक होंगे नहीं, तो देयरफॉर एग्जाम पैड लेके जाना चाहिए। देखिए, बिजली हर एक आदमी पे नहीं गिरती, बट जिस पे तो गिरती है उसका तो कबाड़ा कर देती है, देयरफॉर बेटर सेफ देन सॉरी। प्रीलिम पास हो जाए उत्तम है, तो फिर DA फॉर्म भरते वक्त आप खास करके हॉबी और सर्विस कैडर उस वो जरा ध्यान से समझ के लोगों को पूछ के करना, देखो कुछ भी लिख के मत आइए, फिर इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है। फेल हो गए तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, IBPS की मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में ही ऑफिसर क्लेरिकल ग्रेड की परीक्षाएं आने वाली है, उसी प्रकार ये RBI, CAPF, CDS, स्टाफ सिलेक्शन, कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो प्रवृत्ति में रहिएगा,
देवदास बने बिना तुरंत वापस तैयारी में लग जाना, कहीं ना कहीं तो नंबर लग ही जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू ऑल पीपल कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ इग्नू का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एक कोर्स भी डिस्टेंस लर्निंग में आप ज्वाइन कर लेना, ताकि फिर इंटरव्यू के वक्त दिखाने के लिए कुछ हाथ में कि मैं 2 साल ऐसे ही नहीं बैठा था, कुछ प्रवृत्ति अपनी चल रही थी। सेकेंडली, भगवान ना करे कोई जगह पे कोई भी नंबर आपका नहीं लगता, बैंक में भी नहीं, पुलिस में भी नहीं, मिलिट्री में कहीं भी नहीं, स्टिल इग्नू से आपने पीजी किया है, देन यू कैन गो फॉर यूजीसी नेट, है ना। और जिसने भी यूपीएससी की तैयारी की है तो यूजीसी नेट का जो भी जनरल स्टडीज वाले पेपर और क्वेश्चन है, इट इज़ अ वॉक इन द पार्क। बाकी बचा सब्जेक्ट सिलेक्टेड वो जो एमसीक्यू, दैट यू कैन मैनेज, तो आराम से यूजीसी नेट और उसके जोर पे कहीं पे लेक्चरर और फिर पीएचडी एंड लाइक दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। मतलब सारे रास्ते बंद हो जाए तो ये एक खिड़की खुली रहती है अपने लिए। देयरफॉर आई रेकमेंड कि आप लोग इग्नू का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए एमबीए जो भी ठीक लगे कुछ आप करके जाना। एंड लास्टली, बेस्ट विशेस टू ऑल द सीरियस पे प्लेयर्स, कहीं ना कहीं आप सबका नंबर लग जाएगा। आई एम होपफुल एंड आई एम विशफुल एंड आई विल बी प्रेइंग। थैंक यू।